नमस्ते, हम एशियन डिटेक्टर से है, हैदराबाद तेलंगाना। हमारा पास एक कस्टमर आया था बागलकोट कर्नाटका से है, उसका नाम है विरूपाक्षा। अभी तक उनका ट्रेनिंग चला था सिंप्लेक्स मेटल डिटेक्टर के लिए, कैसे ऑपरेट करना है क्या है अभी तक बता दिया। अभी विरूपाक्षा जी ने उसको ऑन करता है, उसका ट्रेनिंग उसको कितने तक समझ में आया और ये वीडियो उसको निकाल के उसको दे देंगे, बाद में उसको फ्यूचर में ऑपरेटिंग के लिए भी यूज होता है। उसको स्टार्ट करिए विरूपाक्षा जी। काली कैसे ऑन करना है? हाँ, अब बताइए कैसे ऑन करना है। ये बटन से ऑन करना है, ठीक है? पहले हाँ, उसके बाद में क्या करना है आप इमीडिएटली? पहले सेकेंड मोड पे जाना है, सेकेंड ग्राउंड बैलेंस बोलते हैं ना, उस पे चले जाइए। सेकेंड पहले मोड देख लेना है, ऑलरेडी सेकेंड मोड पे है ना, वो देख लो। सेकेंड मोड पे कभी भी यूज करो, जनरल मोड पे। अभी ये भी बताता हूँ, ये देखिए पार्क मोड है, ये बीच मोड है। कभी भी ये सेकेंड मोड पे लगा लीजिए, ये ऑल मेटल मोड है, आयरन को भी पकड़ता है। अभी ये सेकेंड मोड पे चले जाइए, या कभी भी देख लो इस पे रहना चाहिए। कभी भी आप सेटिंग करते टाइम पे वो इधर उधर भाग जाता है, आप ऐसे ही करते जाते हैं आयरन के ऊपर भी आवाज आता है, यानी आयरन यानी छोटे छोटे आयरन को आवाज को बंद कर सकते हैं। अभी इसको प्रेस करिए, सेकेंड पे आ जाइए, अभी बताया था ना आपको। अभी इसको पंप करना है, ये बटन दबा के, हाँ पंप करो, पंप ऐसा ऐसा करना है। हाँ, 90 नंबर जाके दूसरा नंबर आ रहा, आ जाना चाहिए। आने के बाद में उसको छोड़ देना, ये जाने तक रुकना चाहिए, तब तक आवाज आता है। ये तो हो गया ना। अभी नेक्स्ट क्या करना है, अभी देखिए, अभी तो आ चुका है, ये तो वॉल्यूम बटन है। अगर इसको वॉल्यूम को आप ये माइनस के सहारा कम कर सकते है, अगर ज्यादा करो ज्यादा भी कर सकते है। सेकेंड मोड ऑलरेडी बता दिया, आयरन ये पंपिंग करना है ग्राउंड बैलेंस को। थर्ड मोड है आयरन, आयरन को ऑफ करना है। अभी आयरन तो ऑन है, अभी देखिए आयरन तो तीन बटन से यहाँ पर तीन काला मार के तो आयरन ऑन है। तो अभी वहां पर आयरन के ऊपर जाके घुमाइए, ये तो आयरन है, अभी इसके ऊपर घुमाइए, आवाज आ रहा है, आयरन बता रहा है, ये चार तक बता रहा है, आयरन को भी पता चलता है। ये ऐसा घुमाना, कभी भी घुमाए तो भी आवाज आता है। थोड़े कस्टमर ऐसे ही लगाते हैं, ऐसा नहीं लगाना, घुमाना। देखिए जब घुमा रहा है तब देखिए यहां पर आपको चार आ रहा है, यानी वो आयरन है। दस के नीचे जो भी मेटल आता है वो टारगेट आईडी आयरन है। अभी इसको ऑफ कर दीजिए। आयरन को कैसे ऑफ करना है? वेरी गुड, हाँ यस, ये पूरा ब्लैक ब्लैक जाके व्हाइट हो जाना है। अभी इसके ऊपर घुमाइए, कुछ आवाज नहीं है, नंबर आता है मगर आवाज नहीं आता है। ऐसा घुमा, ऐसा घुमाना, ऐसा, ठीक है? नंबर आता है, आवाज नहीं आता है, ठीक है? ये तो आ चुका है। और आपको नेक्स्ट ये देखिए, अगर कौन सा भी मेटल को आपको नहीं चाहिए ये मोड पे यूज करो, अगर कुछ मेटल नहीं चाह रहा तो। ये देखिए आपको नेक्स्ट है, ये फ्रीक्वेंसी है, F2 पे लगा लो ज्यादा। ये वायरलेस हेडफोन्स कैसे ऑन करना है ये भी बता दिया, उसको ऑन कर दिया तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। और नेक्स्ट ये वाइब्रेट मोड है, इसमें मत जाओ कभी भी। वाइब्रेट मोड क्या होता है, वाइब्रेट मोड पे कभी कभी मशीन थोड़ा भी की बोल के आवाज आया तो वो भी वाइब्रेट कर देगा, आपको प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है? अभी ये लाइटिंग है, लाइट को आप ऑटोमेटिक मोड पे लगा लीजिए, वही खुद बे खुद ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेगा मशीन, ठीक है? लास्ट वाला है ये, पीछे का लाइट आ जाता है। अभी देखिए नीचे लाइट नहीं है, देखिए लाइट आ गया नीचे का, देख सकते हैं, ठीक है? नीचे का लाइट अगर उसको बंद कर दिया, फिर वो मोड पे चले जाना है लाइटिंग मोड पे, इसको ऑफ कर दो। अभी यहां कुछ लाइट नहीं है, ठीक है? लाइट नहीं है, बस यही है सेटिंग मेन। आप जो ध्यान देना है मशीन को कभी भी ऑन करने के बाद में, ये देखिए ये मेन थिंग है, ये सेकेंड मोड पे रहना है। अगर आप पार्क मोड पे ऐसा यूज मत करो, ज्यादा सेकेंड मोड पे लगाओ। कभी कभी क्या होता है आपको नहीं मालूम होगा, शायद ये चेंज हो जाएगा, आप ऐसा ही ऑपरेट करते जाते हैं मशीन इरिटेटिकल साउंड आता है, कुई कुई करके आवाज आ जाएगा। चलाते टाइम पे आपको बहुत बहुत दिक्कत होता है, पहले सोच लो ये। और ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है, अगर ये ओपन लैंड पे ज्यादा लगाने के लिए कोशिश करिए, घरों पे थोड़ा कम लगाने के लिए कोशिश करिए, आजू बाजू में कुछ मेटल रहा इसको कम करो, ठीक है? अभी और एक आपको, ये तो हो चुका है, अभी इसका डेप्थ को नापेंगे, छोड़िए, साइज के हिसाब से डेप्थ आएगा, छोटा वाला कम डेप्थ आता है, बड़ा वाला ज्यादा डीप आएगा, मैं ऑलरेडी हर एक वीडियो में बताता हूं। अब देखिए ये जो साइज है, ये जो साइज है ये लगभग आपको
3.5 फुट तक पकड़ रहा है, दूर लगाए तो नहीं आएगा, मैक्सिमम ये 3.5 फुट तक आता है, ठीक है। अगर ये पुराना रहा तो और ज़्यादा डीप भी आ जाता है। अगर गोल्ड है, गोल्ड को भी अलग अलग नंबर आ जाएगा। अब ये जो गोल्ड है, ये नया मेटल को आपको लगभग 1.5 फुट तक पकड़ रहा है, 1.5 फुट मान के जाइए। अगर ये पुराना रहा तो थोड़ा रेडिएशन आके ज़्यादा डीप भी आने का चांसेस है। अभी ये गोल्ड है, कम से कम आपको 1.5 फुट तक आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा रहा तो ज़्यादा डीप आ जाता है। अभी ये वाला ले लीजिए, थोड़ा ये वाला, ये नज़दीक में लगाया तो भी आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आता है। ये देखिए, ये कम से कम 2.5 फुट तक आ रहा है, पुराना रहा तो और ज़्यादा डीप आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर एक कॉपर डाला हूँ, ये एक गोल्ड डाला हूँ, ठीक है। ये पूरा आपको समझने के लिए है। ये देखिए, अभी गोल के ऊपर जाते ही 20-30 आ जाता है नंबर, ठीक है। अब कॉपर के ऊपर जाते ही 85-99 आ जाएगा, यानी आपको पता चल सकता है कौन सा मेटल है। वो भी टारगेट आईडी प्यूरिटी के साथ में आता है। अगर कभी कभी वो प्योर नहीं है तो दूसरा नंबर भी आने का चांसेस है, वो प्योर रहना चाहिए तभी उसमें एग्जैक्टली आता है। और आपको तो ये वीडियो में तो पूरा बता चुका हूँ आपको कौन सा मेटल के लिए क्या आता है। और एक है, आपको डेप्थ को भी कैसे नापता है, अभी आपने पूछा था ना डेप्थ को कैसे देखना है। अभी ये वीडियो में देखिए, अभी डेप्थ के लिए यहाँ पर इधर आ जाइए, डेप्थ के लिए यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये डेप्थ का है, ठीक है। अभी नज़दीक लगाता हूँ, नजदीक लगाया तो ये ऊपर का एक ही आ रहा है। देखिए, मैं इसको नजदीक लगाया हूं, वो एक बता रहा है, थोड़ा दूर लेता हूं। अब देखिए, थोड़ा दूर लिया हूं, थोड़ा 2 फुट बता रहा है, यानी 2, ये अप्रोक्सीमेटली है। अभी 2 नंबर आए यहां पर, देखिए ना, नजदीक लगाया तो अभी देखिए 1 आया है, थोड़ा दूर लगाया तो 2 आया है, और थोड़ा दूर लगाता हूं 3 आया है। अब देखिए, और थोड़ा दूर लगाया हूँ, थोड़ा और दूर आ गया, यानी इसके साथ पे डेप्थ भी आपको पता भी चलेगा। अगर कभी कभी वो क्लोज है, नज़दीक है, छोटा मेटल है, छोटा मेटल रहा तो वो डेप्थ को क्या हो जाता है, बहुत नज़दीक में बताने के भी चांसेस है। पूरा 4 भी आता है, वो भी आप ध्यान दे देना है। अभी ये देखिए, ये 5 रुपये का चिक्का है, देखिए अभी ये 2 बता रहा है, यानी वो नजदीक है। कभी कभी छोटा मेटल को भी अगर नजदीक रहा तो वो भी आने का चांसेस है। देखिए, नजदीक लगाया 1 आया है, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा दूर लगाया 2 आ गया, और थोड़ा दूर 3 आ रहा है, और थोड़ा दूर 4 आ रहा है। ऐसा ही ये अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्टली स्केल के हिसाब से बराबर तो नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली आपको पता चलता है डेप्थ भी। अगर छोटा कण है या छोटा चीज है तभी भी आपको 4 आने का चांसेस है, उसका मतलब नहीं है वो 4 फुट पे रहने का। साइज कम रहा तो नजदीक में लगाया तो ज्यादा डीप में भी बताने का चांसेस है, बड़ा रहा तो ज्यादा डीप में भी बताने का चांसेस है। यानी ये पूरा डेप्थ एग्जैक्टली नहीं आता है, अप्रोक्सीमेटली आपके लिए है। यही वीडियो यहां से एंड होता है फ्रेंड्स। अगर आप हमारा YouTube चैनल पे नए नए आए सो है तो हमको सब्सक्राइब करिए, हुआ तो कुछ कमेंट करिए। थैंक यू, बाय।